और चलिए वक्त हो गया है वीडियो ब्रेकिंग का। वीडियो ब्रेकिंग की शुरुआत हम करते हैं जापान में आई बाढ़ की तस्वीरों के साथ। देखिए वीडियो ब्रेकिंग की शुरुआत जापान के टोक्यो में भारी बारिश की तस्वीरें आप देखिए। नेशनल स्टेडियम स्टेशन का वीडियो सामने आया है, सीढ़ियों से बहता हुआ नजर आ रहा है ये सैलाब। तो जापान की ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, टोक्यो में किस तरह से भारी बारिश और भारी बारिश के बाद जापान में क्या आलम हो गया। यहाँ पर देखिए जो ट्रेन है, सबवे ट्रेन, वहाँ पर भी स्टेशन में कैसे पानी बहता हुआ नजर आ रहा है। अंडरपास में पानी भर चुका है, सैलाब की तरह सड़कों पर पानी बहता हुआ नजर आ रहा है। ये हाल है टोक्यो का। और अब दूसरी वीडियो ब्रेकिंग जापान से ही है। यहां पर टोक्यो के शिंजुकू में भारी बारिश के बाद लोगों की परेशानी बढ़ गई है। मेट्रो स्टेशन के आगे तालाब नजर आ रहा है, इतना पानी भर गया है। बाढ़ के पानी में फंसा शख्स कड़ी मशक्कत से किसी तरह से देखिए कैसे निकल रहा है। ये देखिए स्कूटी पर सवार है ये शख्स और कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह से ये पानी से निकलने की कोशिश करता हुआ। और अब तीसरी वीडियो ब्रेकिंग, ईरान में बाढ़ के बाद भारी तबाही नजर आ रही है। भारी बारिश के बाद सड़क पर कई फीट तक पानी भर गया है। पानी में बहती दिखी सड़क पर गाड़ियां जो खड़ी थी, लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया। ये ईरान की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। ईरान में भी लगातार भारी बारिश का दौर जारी है और उसके बाद आप देखिए सड़क पर जो गाड़ियां खड़ी थी वो कैसे सैलाब के साथ बहती नजर आ रही है। लोगों की चीख पुकार भी आप सुन पा रहे होंगे। बेहद ही खौफनाक मंजर इस वक्त ईरान में नजर आ रहा है। ये देखिए तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं और बेहद ही खौफनाक ये तस्वीरें। बाढ़ के बाद जो हालात बने ईरान में, आप देखिए ऐसा लग रहा है कि मानो कोई बहुत ही तेज धारा के साथ नदी बहती हुई आपको नजर आएगी। लेकिन ये रिहायशी इलाके जहां पर बाढ़ का जो पानी है वो कैसे तेज सैलाब के साथ बहता नजर आ रहा है। ये देखिए आपको पानी की टंकी नजर आ रही होगी, ये भी कैसे बाढ़ के पानी के साथ बह रही है। कई गाड़ियां इस बाढ़ में बह गई है। देखिए कैसे किसी नाव की तरह ये बहती हुई नजर आ रही है। लोगों में चीख पुकार। और अब चौथी वीडियो ब्रेकिंग, चीन से जहां पर बाढ़ बारिश के बाद भारी तबाही, हजारों लोग पानी की मार झेलने के लिए मजबूर हैं। गुआंगडोंग प्रांत के कई इलाकों में पानी भर गया। तो ये चीन की तस्वीर है जहां के गुआंगडोंग प्रांत में भारी बारिश के बाद का क्या आलम है। या देखिए यहां पर भी तमाम जो रिहायशी इलाके हैं वो इसकी चपेट में आ गए हैं। लोगों के लिए काफी मुश्किलें पैदा हो गई हैं। गाड़ियां जहां तहां जो खड़ी हैं वो पानी में डूब गई हैं। लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। इस वक्त चीन के गुआंगडोंग में भी काफी भयावह हालत आपको नजर आ रहा। और अब पांचवी वीडियो ब्रेकिंग सऊदी अरब से। सऊदी अरब के कई इलाके अब भी बाढ़ की चपेट में हैं। अलमदीना से खौफनाक तस्वीरें सामने आई है। बाढ़ के पानी में गाड़ियों के साथ फंस गए कई लोग। पानी में फंसे लोगों का किस तरह से रेस्क्यू किया गया यह आप देखिए। सऊदी अरब में भी हाल बहुत ही खराब है। बीते कई दिनों से यहाँ पर भारी बारिश का दौर जारी है। और ये देखिए सऊदी अरब की एक तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, कैसे बारिश के बाद अलमदीना नाम की जगह पर ये सैलाब बहता हुआ आपको नजर आ रहा है। बाढ़ के पानी के बीच में कैसे कई गाड़ियां फंस गए और उसके बाद जो लोग इसके अंदर मौजूद थे गाड़ियों के अंदर उनको किस तरह से रेस्क्यू किया गया, एक दूसरे की मदद की गई है, गाड़ी से बाहर निकाला गया। ब्रेकिंग, बांग्लादेश के हबीबगंज में बाढ़ का कहर, बारिश के बाद उफान पर कई नदियां, निचले इलाकों में पानी भरने की आशंका, हजारों लोगों पर बढ़ा विस्थापन का खतरा बढ़ा है और बाढ़ की वजह से लोगों पर नया संकट। सातवीं वीडियो ब्रेकिंग, बांग्लादेश के खगराचारी में भीषण बाढ़, नदियों का जलस्तर बढ़ा और खगराचारी जिले में चौथी बार बाढ़ की स्थिति पैदा हुई। बांग्लादेश में बाढ़ की विकराल स्थिति, खगराचारी की ये तस्वीरें जहां पर हर तरफ पानी ही पानी, बड़े स्तर पर लोगों के पलायन का भी खतरा बढ़ा हुआ है बाढ़ की वजह से।
आठवीं वीडियो ब्रेकिंग, पुर्तगाल में मदीरा के जंगलों में जारी है आग का तांडव। एक हफ्ते से जारी है जंगल में लगी आग। अब तक 200 लोगों को पहुंचाया गया सुरक्षित जगह पर। 100 से ज्यादा दमकल कर्मी आग बुझाने में जुटे। नौवीं वीडियो ब्रेकिंग, जर्मनी के रेलवे स्टेशन पर दिन दहाड़े युवक पर बरसाई गोली। हमले में युवक की मौके पर ही मौत। स्टेशन के बीचों बीच ट्रैक के सामने वारदात। मौके से भागता दिखा अपराधी। शाम करीब 9 बजे की घटना तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं किस तरह से गोलियां दागी इस युवक को और वहां से यह भागता नजर आया। तस्वीरों में साफ दिख रहा है यह हमला। दसवीं वीडियो ब्रेकिंग, तेल अवीव विश्वविद्यालय के छात्रावास में लगी आग। आग लगने के बाद छात्रों में मचा हड़कंप। आग की लपटों की चपेट में आई इमारत। छात्रों और कर्मचारियों को निकाला गया बाहर। आग लगने के कारण का नहीं लग पाया है पता। ग्यारहवीं वीडियो ब्रेकिंग, महाराष्ट्र से, जहां के ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व में बाघ और कोबरा का कैसे आमना सामना हुआ ये देखिए आप। कोबरा को देखकर पीछे हटा बाघ, वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा। तो ये देखिए कोबरा आपको नजर आ रहा है और सामने बाघ खड़ा हुआ है। दोनों का आमना सामना हुआ है और कोबरा को देखकर फिर आप देखिए कैसे जो बाघ है वो अपने कदम पीछे करता हुआ नजर आ रहा है। और अब 12वीं वीडियो ब्रेकिंग आपको दिखा रहे हैं। अंतरिक्ष से दिखा पृथ्वी का अद्भुत नजारा। नासा के एस्ट्रोनॉट ने खींची है दुर्लभ तस्वीर। ये देखिए बेहद ही खूबसूरत पृथ्वी नजर आ रही है। नासा के एस्ट्रोनॉट ने जिस तस्वीर को रिकॉर्ड किया है उसके बाद कितना बेहद ही खूबसूरत नजारा ये पृथ्वी का नजर आ रहा है अंतरिक्ष से। आप भी देखिए अब 13वीं वीडियो ब्रेकिंग, यरूशलम में इजरायली सैन्य भर्ती कार्यालय के बाहर प्रोटेस्ट की तस्वीरें हैं। सेना में भर्ती के आदेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने सड़कों को जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों का दावा सेना में नहीं जाना चाहते हम। पुलिस ने 5 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। और अब 14वीं वीडियो ब्रेकिंग, रूस और मंगोलिया का बड़ा युद्धाभ्यास। चोई बल्सन ट्रेनिंग रेंज में ड्रिल हुई है। युद्धाभ्यास में पहली बार FPV ड्रोन शामिल। दोनों सेनाओं के ड्रिल में 700 सैनिक शामिल हुए हैं। और अब 15वीं वीडियो ब्रेकिंग, दक्षिणी लेबनान के शिखिर में IDF का बड़ा हमला हुआ। हिजबुल्ला के ठिकानों को IDF ने तबाह किया। कफर केला में भी सैन्य ठिकानों को तबाह किया।